सर आज एक नई पार्टी का भी एक गठन हुआ है हरियाणा में, हरियाणा जन सेवक पार्टी बल्लाज कुंडू ने उसको बनाया है, घोषणा की है। क्या हरियाणा में जो इस प्रकार के राजनीतिक दलों का गठन होता है इसको आप किस संदर्भ में? मेरा तो मित्र है, मेरा मित्र है मेरा नाम लिया था क्या? मैं पूछूं, मेरा नाम लिया था? चौटाला परिवार, चौटाला परिवार नहीं, चौटाला परिवार भी नहीं, वो तो केवल दुष्यंत की बात करता है। आप आपका नाम लिया था कि तीन पार्टियां कांग्रेस जेजेपी और बीजेपी को छोड़ के बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस तो फिर मेरा जान जिगरी क्यों करो आप? फिर आप मेरी उसकी दोस्ती में खटास पैदा करना चाहते हो? नीम किसने रखी है बताओ मुझे? नहीं, नीम किसकी रखी हुई है मैं ये पूछना चाहता हूँ। हमने रखी है इसकी नीम, हमने इसकी नीम रखी है। आप निश्चिंत रहो, अभी हमारे पास कुछ लोगों को इनवाइट करने का समय है। अभी हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि हमें किस किस को और बुलाना है। आप क्यों जल्दी कर रहे हो इस बात की? नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक हमारे पास समय है, जो इसके और घटक दल हैं हम और कुछ नेताओं से बातचीत करेंगे, हम अपनी पार्टी के अंदर बातचीत करेंगे, फिर और भी तय कर लेंगे। अभी आज तो 6 तारीख हुई है, 25 तारीख को सम्मेलन है हमारा, उससे पहले पर्सनल जाकर के किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। कैथल में, अनाज मंडी में, कैथल की अनाज मंडी में। उसका राजनीतिक तौर पर आगे क्या वो देखते हैं सर आप? क्योंकि ये तो कुछ लोगों का ये भी कहना होता है, नेता जब आते हैं इस अवसर पे उनका ये कहना होता है कि हम पारिवारिक तौर पर जुड़े हुए हैं, चौधरी देवीलाल के साथ काम किया हमने, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो राजनीतिक तौर पर भी हमारे साथ है जिनको हमने बुलाया है, और वो हमारे इलेक्शन में भी हमेशा, किसी भी इलेक्शन को उठा करके आप देख लें, लोकसभा के चुनाव में तो अपने अपने स्टेट में सब नेता व्यस्त होते हैं, लेकिन हरियाणा की विधानसभा का जब भी चुनाव हुआ, चाहे हमने लालू जी को बुलाया, चाहे हमने मुलायम को बुलाया, चाहे हमने नीतीश जी को बुलाया, चाहे देवगौड़ा जी को बुलाया, चाहे फारूक अब्दुल्ला को बुलाया, चाहे बादल साहब को बुलाया, जिसको भी हमने निमंत्रण दिया, उन्होंने खुद करके हमारे लिए प्रचार किया। उनके साथ हमारे जहाँ पारिवारिक संबंध है वहाँ राजनीतिक संबंध भी उतने ही गहरे हैं।